गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 11 चैप्टर, तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा के बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर शब्दार्थ और एक्सरसाइज कराऊंगी। यह किसका चित्र है? वर्कबुक में देखो, यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र आज़ाद भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्रध्वज है। इसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। फिर उसके बाद तीनों रंगों के कारण हमें उसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का चक्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? अशोक चक्र कहते हैं। यह कब मनाया जाता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम मनाते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे भारत देश की शान है। हमें अपने झंडे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आपका चैप्टर एक्सप्लेन भी हो गया, रीड भी हो गया। अब आपको देखना है शब्दार्थ। केसरी तो ऑफ सैफ्रॉन कलर, OFSAFFRON सैफ्रॉन, COLOUR कलर। हरा मतलब ग्रीन, GREEN ग्रीन। फिर नीला, BLUE ब्लू नीला। शान मतलब प्राइड, PRIDE प्राइड। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट करना, हम किसी की भी रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सम्मान करना। RESPECT रिस्पेक्ट। हमें हमेशा भारत देश के झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारा शान है। फिर इसकी एक्सरसाइज देखनी है, ब्रैकेट में से आंसर लिखना है। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। फिर तिरंगे झंडे के बीच में सफ़ेद रंग होता है। तिरंगा हमारे भारत देश की शान है। सफ़ेद रंग के बीच में क्या आता है? अशोक चक्र आता है। और तिरंगा भारत देश का क्या है? झंडा है। तो आज हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया। आपको नोटबुक और वर्कबुक में लिखना है।